फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की दूसरी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज में बनी है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उद्घाटन करने पहुंचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित किया है, जिसके बाद उन्होंने शिलापट का अनावरण किया और साथ ही उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति का अनावरण किया। ये यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर बनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज के झलवा इलाके में बनाई गई है, जहां इसका आज उद्घाटन हुआ है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। ऐसे में कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जज शामिल हुए हैं। और इस मौके पर क्या कुछ कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको दिखाते हैं और साथ ही ये भी दिखाते हैं क्या कुछ कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति ने। राज्य के मुख्य न्यायाधिपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के विजिटर जस्टिस मनोज मिश्रा जी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मंडल के सहयोगी श्री नंदगोपाल नंदी, समारोह में विशेष रूप से उपस्थित मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी के उपाध्याय जी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, इस क्षेत्र के विशेषज्ञगण, कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उषा टंडन जी और सभी उपस्थित महानुभाव, प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती इस त्रिवेणी का महासंगम है, लेकिन इसके साथ ही यह धर्म ज्ञान के महान्यायवीर मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी का आगमन हुआ है। मैं राज्य सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। चंद्रचूड़ साहब का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल न्यायिक इतिहास में उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक स्मरणीय बना हुआ है। उन्होंने उस समय जो नजीर प्रस्तुत की न्यायिक क्षेत्र में, वो आज भी न केवल न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बल्कि एक कॉमन मैन के मन में भी एक नया विश्वास पैदा करता है। तो स्वाभाविक रूप से जब इस धर्म ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी के इस महासंगम में एक नई कड़ी जोड़नी थी, तो उस कड़ी का शुभारंभ किसके कर कमलों से हो, मैं इसके लिए विश्वविद्यालय, इस नवगठित विश्वविद्यालय के विजिटर जस्टिस मनोज मिश्रा जी को,
विश्वविद्यालय के चांसलर और अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण वंसाली जी को, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी को, यहां के सभी अपने माननीय न्यायमूर्तियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आज आमंत्रित किया है। यह अवसर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, भारत गणतंत्र अपने अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश किया है। याद करिए 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था और इन 74 वर्षों में भारत के संविधान ने भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक नई प्रेरणा दी, दुनिया को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और जब भारत गणतंत्र अपने अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहा हो, उन स्थितियों को स्मरणीय बनाने के लिए एक नई शुरुआत न्याय की इस नगरी में आज प्रारंभ होने जा रहा है। आप जब संविधान की डिबेट को देखते होंगे, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी जब भारत के संविधान की डिबेट चल रही थी, प्रस्तावना क्यों लेकर के। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि हमारी चुनौती संविधान के विस्तार को लेकर के और अंत को लेकर के नहीं है, हम इति को लेकर के परेशान होते हैं कि समारोह कैसा हो। समारोह अच्छा होगा, उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे, वसरते हमने शुरुआत अच्छी की है। इति की चिंता मत करिए, अथ की शुरुआत यानी अथ की चिंता करिए, शुरुआत कैसे हम कर रहे हैं और ये शुरुआत अच्छी हुई है और वह भी भारत के संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर, जो भारत गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, उनके नाम पर बनने वाले इस विश्वविद्यालय का शुभारंभ आज भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ साहब के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है, एक नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मुझे प्रवेश होने वाला है, उनमें से बहुत सारे छात्र उनके अभिभावक भी इस समारोह के भागीदार बन रहे हैं, यह दिन उनके लिए बड़ा स्मरणीय होगा क्योंकि जिस फील्ड में वो अपने करियर को बनाना चाहते हैं उसका आज के समय के सबसे चमकता हुआ सितारा उनके सामने है, उनको गाइड करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए, तो स्वाभाविक रूप से वह उनके लिए एक नई प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश के लिए हमारे लिए एक उपलब्धि है कि हम उत्तर प्रदेश को एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विगत 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन को स्थापित करने में कुछ सफलता प्राप्त की। सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ बगैर बार और बेंच के सहयोग से नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश के बार को भी और बेंच को भी इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद भी दूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करूंगा, उत्तर प्रदेश के सुशासन के इस मॉडल को स्थापित करने के लिए उनका सकारात्मक सहयोग प्रदेश को हमेशा प्राप्त हुआ है। उसी का परिणाम है क्या उत्तर प्रदेश
कुछ नया करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, न केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बल्कि मैंने पहले भी कहा कि सुशासन की पहली शर्त वह रूल ऑफ लॉ है, और यह तभी संभव हो सकता है जब उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। राज्य सरकार इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करती, क्योंकि मेरे पास जब भी न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, हम अपने अधिकारियों से भी कहते हैं कि देखो, एक कॉमन मैन का विश्वास न्यायिक जगत से बना है, हमें उस विश्वास को बरकरार रखने में अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत के लोकतंत्र के इन स्तंभों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। जितना अच्छा हो सकता है उतना अचित और उतना सकारात्मक सहयोग हमें करना चाहिए, और मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि चाहे वह यहां पे उच्च न्यायालयों का हो, जनपदीय इंटीग्रेटेड न्यायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के कार्यक्रम का हो, या फिर अन्य बार से जुड़े हुए उन सभी समस्याओं के समाधान का हो, हम उन लोगों से कहते हैं देखो, लोकतंत्र में हमें डायलॉग के महत्व को समझना होगा। आपकी कोई बात हो तो सीधे पहले एक बार अपनी बात को शासन तक पहुंचा दीजिए, उसके लिए एक माध्यम है, और उन तक किसी भी माध्यम से हमारे पास वो बात पहुंचती है तो उसका हम सकारात्मक रूप से उसका समाधान निकालेंगे, और उसको हम समाधान तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सरकार के पास पहुंचने का मतलब फिर समस्या नहीं रहनी चाहिए और समाधान में बदलनी चाहिए, और समाधान का रास्ता में हर हाल में निकालना है, और समाधान के उस मार्ग को निकालने के लिए सरकार जब आगे बढ़ती है तो अवश्य उसका कोई निष्कर्ष भी अवश्य निकलता है, और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ा है। आज का यह अवसर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी और प्रयागराज वासियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज वासियों के लिए इसलिए भी क्योंकि चंद्रचूड़ साहब का एक लंबा समय यहां पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में व्यतीत हुआ, उनकी स्मृतियां यहां से जुड़ी हुई और इलाहाबाद वासियों की स्मृतियां भी उनके साथ जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से 8 वर्ष के बाद उनका यहां पर आगमन हुआ है, तो यहां तो उनके लिए स्मरणीय है ही, लेकिन जब आए हैं तो यहां के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को भी दे करके जा रहे हैं, तो यह और भी महत्वपूर्ण होगा कि उनकी यात्रा यहां के लिए और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, कई युगों के लिए स्मरणीय होने जा रही है। पीढ़ियां इस दिन के देख करके भाव होंगी, वे इस दिन को देख करके जब भी कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कहां से शुरुआत हुई थी, इन सभी को लेकर के उनके मन में एक नई प्रेरणा होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर जो अभी कुलपति, जो यहां की नवनियुक्त कुलपति है प्रोफेसर उषा टंडन जी, ने आपके सामने बताया कि यह फर्स्ट ईयर में हम यहां पे BLLB के 5 ईयर्स कोर्स का प्रारंभ करने जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में 1 ईयर का LLM का कोर्स प्रारंभ होगा, फिर PhD के पाठ्यक्रम 3 वर्षीय PhD का कार्यक्रम भी यहां पे प्रारंभ होगा, और इस दौरान अच्छा होगा यहां की फैकल्टी अभी संसद में 3 नए एक्ट बने हैं, युवा अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण का विशेष कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो, राज्य सरकार इसको पूरा सपोर्ट करेगी, और मुझे लगता है इस दायित्व को भी इस लॉ यूनिवर्सिटी को अपने ऊपर लेना चाहिए कि वे यहां के प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को, हर जनपद से युवा अधिवक्ताओं को बुलाएं, क्योंकि आज अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने अपने स्तर पर बहुत कुछ करने का प्रयास किया है, और आगे भी हमारा बार कौंसिल के शिव कुमार गौर हैं और भी यहाँ के उनके पदाधिकारी मौजूद हैं, ये लोग अपनी बात को समय समय पर रखते आए हैं, और मैं इस बात को उनको आश्वस्त करता हूं कि न केवल प्रशिक्षण के लिए बल्कि उनकी अन्य सुविधाओं के लिए भी सरकार पूरी तरीके से उनके साथ रह करके उनको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के आज शुभारंभ के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
धन्यवाद, जय हिंद। Your brother Justice Rajesh Bindal, both judges of the Supreme Court of India, Justice Arun Bansali, Chief Justice of the Allahabad High Court and Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj, Justice Ramesh Sinha, Chief Justice Chhattisgarh, Justice Devendra Upadhyay, Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Manoj Kumar Gupta, judges, both brothers and sisters in the High Court of Judicature at Allahabad, Shri Ajay Kumar Mishra, Advocate General of Uttar Pradesh, Shri Manan Kumar Mishra Ji, Chairman Bar Council of India, Professor Usha Tandon, Vice Chancellor, Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj, members of the faculty, members of the bar, students and all who are present here. मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह अवसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह का। मेरे लिए सम्मान का विषय है कि मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद में आप सब ने मुझे अपनाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न सिर्फ हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे बल्कि एक बड़े सम्मानित वकील भी थे। एक वकील के रूप में प्रयागराज से उन्हें बेहद नजदीकी संबंध रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें बनने की प्रक्रिया में अपना मार्गदर्शन और योगदान देकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र एवं आधुनिक भारत की नींव रखी। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया जिससे भारत की संसदीय परंपरा की शुरुआत हुई। संविधान सभा के सभी सदस्य डॉक्टर प्रसाद को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। यही कारण था कि जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुनने का मौका आया तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद के लिए सबसे योग्य माना गया। इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जोड़कर हमने न सिर्फ डॉक्टर प्रसाद की विरासत को सम्मान दिया है, इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों से प्रेरित होने का भी काम किया है। इस मौके पर मैं विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री जी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सारे न्यायाधीशों को मैं बधाई देता हूं। यह एक सुखद संयोग है कि मैंने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर लगभग 3.5 साल यहां बिताए। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने न सिर्फ उच्च न्यायालय के सम्मानित न्यायाधीशों के साथ कई अहम मुद्दों पर काम किया बल्कि प्रयागराज के गौरवशाली इतिहास के बारे में भी जाना। मैं अक्सर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बिताए अपने समय को याद करता हूं। बंबई उच्च न्यायालय से मैं काम करने के बाद जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय आया तो मैंने ना सिर्फ इस उच्च न्यायालय बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को भी समझा। मैं समझता हूं कि यहां आकर मेरे जीवन में विद्या ग्रहण का जो प्रयास था वो एक दूसरे स्तर पर मैं ले जा सका। ऑलवेज से उत्तर प्रदेश इज द हार्टलैंड ऑफ इंडिया। अपने कार्यकाल के दौरान मुझे कई जिलों में जाने का मौका मिला और मैंने जिला न्यायपालिकाओं से जुड़ी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इलाहाबाद हैज रिमेन्ड अ सेंटर फॉर नॉलेज एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज फॉर सेंचुरीज। द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद विच वॉज कंसिडर्ड इज द ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट
remains a beacon of knowledge since the last 137 years. स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख केंद्र के रूप में भी प्रयागराज उन अग्रणी शहरों में रहा जिसे जिसने आजादी के आंदोलन का हौसला प्रदान किया. महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी ने इस शहर को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया था. शहर का अल्फ्रेड पार्क आज भी चंद्रशेखर आजाद की शौर्य गाथा के जीवंत उदाहरण है. This city is also associated with the names of several individuals who made a mark in the legal profession. Sahitya, kala, tehzeeb, sanskriti evam kanuni parampara ko samete is shahar mein aaj Dr. Rajendra Prasad Rashtriya Vidhi Vishwavidyalaya ki sthapana se na sirf shiksha ke kshetra mein badhotri hogi balki shahar ko bhi ek naya aayam milega. Ye avsar न सिर्फ हमें कानूनी शिक्षा के बढ़ते आयाम के बारे में बताता है बल्कि यह भी याद दिलाता है कि कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को दूर कर सके. इसके साथ साथ आज के इस भाषण में मैं समाज में वकीलों की सकारात्मक भूमिका, विधि शिक्षा के उद्देश्य, विधि शिक्षा में व्यावहारिक एवं संरचनात्मक चुनौतियों एवं उसके आगे बढ़ने के उपाय के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं. फर्स्ट अबाउट द रोल ऑफ लॉयर्स. सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस एंड टू कंटेम्पररी इंडियन पॉलिटिक्स लॉयर्स हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू नेशन बिल्डिंग. वी ऑलवेज फील दैट आवर रोल इज टू वेयर our bands and black coats and get the injunction of stay order or the bail for a client. That is important in itself because you do justice to the immediate cause at hand. But there is a wider process of nation building in which lawyers have a very vital role to play. Lawyers play a crucial and multifaceted role in society, contributing to the functioning of legal systems and promoting justice. They represent individuals and entities, ensuring that their rights are protected. This includes criminal defense, civil litigation, and advocacy for various legal issues. The role of lawyers includes representation of the marginalized and vulnerable communities, ensuring that they have a voice in the legal system. Every day in the work of the Supreme Court, we come face to face not only with injustice, but the quest of justice which is sustained by lawyers, pursuing causes which are popular and unpopular, clients high and low, clients who have a voice in the system thanks to the work of the bar. The engagement of lawyers in pro bono work, providing free legal services to those who cannot afford it, is a crucial function of lawyers in society. Sir Ashutosh Mukherjee, a noted jurist and barrister, remarked, "A lawyer is more than a mere agent or servant of his client. He is also an officer of the court, and as such, he owes the duty of good faith and honorable dealings to the courts, before which he practices the profession." What Sir Ashutosh Mukherjee said decades ago holds true with only one little variation. That where we have said he, we must now say he or she, because this profession today is as much a representative of women in society. Thus, lawyers are entrusted with this obligation of being a carrier of the principle of justice. Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar, writing about public service and legal practice, said, "Legal practice and public service are thus the alternating currents in my life. I do not know on which current my life ends, whether AC or DC. Thus, much like alternative currents, the life of a lawyer must be characterized by the constant oscillation between the realms of legal practice and public service, each exerting its unique influence in shaping society." M.C. Sethavar, the great jurist, also said, "We must not forget that we are a body of men
whose essential function is to serve the nation. As the nation turns to its trained medical men or scientists to look after its health and scientific growth, so does a nation need lawyers to help in the administration of its justice and the building up and working of its laws. These thoughts emphasize on the indispensable role of lawyers as guardians of justice. I have quoted the words of a few legendary figures in our legal fraternity to inspire the young students to take up the study of law as a career choice with an open mind. Young law students must instill a sense of purpose, curiosity, and commitment to excellence, thereby enriching the fabric of the legal profession and advancing the cause of justice in society. Let me speak briefly about legal education in society. We have to re-emphasize that the legal profession is interconnected with the outlook of legal education. The shape and status of legal education determines the character of the legal profession. It is legal education which paves the way in the direction in which the legal profession will move. Law school shapes the character of every law student and consequently the character of the legal profession. The objective of legal education is to enable law students to acquire professional skills as well as assimilate responsibilities of a public service provider as a responsible citizen of the nation. The dual role of lawyers as professionals and social service providers can only be possible if law schools impart interdisciplinary and diverse education involving multiple subjects relevant in today's changing world. Dr. Ambedkar, writing on the thoughts on the reform of legal education in the Bombay Presidency, stressed the importance of interdisciplinary studies. He wrote, "From the educationist point of view, the study of law requires a study of certain other auxiliary subjects, without which the study of law alone would be incomplete equipment for the practice of the profession. What these auxiliary subjects should be will not be difficult to enumerate, if we remember that a lawyer must have a legal mind. May I respectfully add that a lawyer must also have a social mind. To this I add that the focus of legal education must not only be on interdisciplinary studies, but on pragmatic legal education. Law schools must develop strategic plans that accommodate the changing market realities and clearly articulate their vision for the administration of justice. This National Law University must, in designing its policies, understand its responsibilities in the context of the evolving social landscape in Uttar Pradesh. What are the new demands which industries are setting up for qualified legal professionals? What is the role of legal professionals in the changing social transformation in this state? And it is from that context that we must equip our young lawyers to be torchbearers for the future. Building a system of legal education that encourages interdisciplinary approaches to law with other social sciences ought to be the aim of law schools. A student of law also needs to be knowledgeable about political theory, economics, philosophy and the history and culture of the nation in order to be able to influence institutional changes. The teaching of law in India, the establishment of national law universities across the country has been seen as a positive step towards providing specialized and high quality legal education. These institutions, known for their competitive admission processes, have contributed to raising the standard of legal education but also remain limited in accessibility and effective social contribution. Ek taraf, jahan hum naye vishayon, jaise ki space law, technology law, aadi par baat karte hain, dusri or, isi baat par bhi zor dene ki zarurat hai, ki yeh sab vishayon par baatcheet NLUs tak hi simit na reh jaye. Hamara uddesh hona chahiye ki kanuni shiksha mein jo badlav aa rahe hain, इनका असर हर विश्वविद्यालय और कॉलेज पर होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता
सभी विश्वविद्यालयों में एक समान होने चाहिए. सो लेट द एजुकेशन विच इज टॉट एट दिस पर्टिकुलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रीच आउट टू अदर स्टूडेंट्स हु मे नॉट बी एज फॉर्चुनेट टू कम टू प्रयागराज इन द स्मॉलर टाउन्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन द स्मॉलर टाउन्स इन अदर स्टेट्स because technology has given us that ability to reach to students beyond the physical space. Bar Council se sambandhit desh ke anya college khas taur par gramin bharat ke law university evam college mein hame shiksha ke navachar se jude prayason ko bal pradan karna chahiye. Despite the developments in legal education, the contemporary Indian legal education system only favors certain English speaking urban students. The data from diversity surveys of 5 national law universities, which came into existence much before, reveals that the composition of law schools in terms of gender, region, and the premium attached to the fluency of the English language and a stigma for a lack of knowledge of English language among students acts as a hindrance to the full participation and assimilation of students coming from diverse backgrounds. दिया है काफ़ी अपनी जो है उन्होंने आशाएं जताई हैं जो है इस यूनिवर्सिटी के से और मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे सीजीआई साहब ने जो है लॉर्डशिप ने जो उम्मीदें हमसे की हैं हम उस उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और हमें जो है जुडिशियल से हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ से इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी प्रोत्साहन मिलता रहेगा. इस यूनिवर्सिटी की एक ख़ास बात तो भी हमने जो है बात की है इट्स प्रॉक्सिमिटी टू दिस हाई कोर्ट और एक दूसरा जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग लगी है वो ये है कि बहुत अच्छा मैंने एक पास्ट इलाहाबाद में एजुकेशन का सुना है लीगल एजुकेशन और एक जनरल एजुकेशन का सुना है. अनफॉर्चुनेटली फॉर द टाइम बींग शायद वो थोड़ा सा उसको और बढ़ावा नहीं मिला है तो मैं ये कहूँगी खास ये है कि इस विश्वविद्यालय के आने से जो एक ग्लोरियस पास्ट है प्रयागराज का वो कहीं ना कहीं जो एक प्रोमाइजिंग फ्यूचर है उससे मिल रहा है. सो से शुरू होंगे क्या क्या कोर्सेज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बीए एलएलबी से कर रहे हैं और हम जो स्ट्रेंथ ले रहे हैं वो अभी हम 60 स्टूडेंट्स की ले रहे हैं. अभी मुख्यमंत्री साहब से भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा ठीक है हम जो है 60 से शुरू करना इज अच्छी बात है और धीरे धीरे फिर जो है हम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हमारा मिलेगा तो फिर हम स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं कोर्सेज भी बढ़ा सकते हैं. अभी तो हमने अंडर ग्रेजुएट से शुरू किया है आने वाले टाइम पर वी आर रियली लुकिंग फॉर कि हम मास्टर्स भी शुरू करें पीएचडी शुरू करें और इसके अलावा एक जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है लॉ इज़ सच अ डायनेमिक सब्जेक्ट बहुत जो है जल्दी से इसमें चेंजेस आ रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है तो ये जो डिग्री कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज हैं इसके साथ साथ हम डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग जुलाई सेशन जुलाई से शुरू होगा. कैंपस पे जो डेवलपमेंट है वो सारी हो रही है मुझे ये बताया गया है कि 3-1 महीने के अंदर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी. प्रोफेसर उषा टंडन वाइस चांसलर ऑफ देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें.